नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, काम करने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है और धूप में निकलने से लू भी लग जाती है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप लू से किस प्रकार बच सकते हैं, इसी के बारे में। दोस्तों, गर्मियों में सभी लोग धूप और गर्मी से बचने के लिए अपने अपने तरीके से सावधानी बरतते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वे लू के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहा हूँ। अगर आपको लू लग गई है तो अब लू लगने पर घरेलू नुस्खों की मदद से इससे आसानी से बच सकते हैं, इससे राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं नुस्खों के बारे में। लू लगने पर प्राथमिक उपचार करना ही जरूरी माना जाता है। लू लगने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए लू लगने पर प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया में सबसे जरूरी होता है शरीर के तापमान को कम करना। आप लू लगने की स्थिति में घरेलू उपचार अपना सकते हैं। लू लगने पर घरेलू उपाय में लिक्विड पेय का प्रयोग करें। लू लगने के बाद छाछ, दही, जूस, गन्ने का रस, सब्जियों का रस, शिकंजी, इन तरल पदार्थों को पीना चाहिए। यह आपके शरीर को अंदर से ठंडा करते हैं और आपके शरीर के तापमान को भी कम करते हैं। लू से निजात पाने का रामबाण इलाज है पानी। हीट स्ट्रोक यानी लू लगने पर पानी आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। इसे लू लगने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आपको आपका जो शरीर है पानी की कमी को पूरा कर सके, क्योंकि इसकी कमी से आप हीट स्ट्रोक की चपेट से अगर आ गए हैं तो उससे बच जाएंगे। लू लगने के कारण शरीर पर हल्के लाल निशान दिखाई देते हैं। इसके लिए आप जौ के आटे और बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ को प्याज के साथ पीस कर शरीर पर लगाएं, जिससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। दूसरी ओर, यदि आप लू लगने से बचना चाहते हैं तो आप प्याज को जेब में रखें, जिससे लू लगने की संभावना कम हो जाती है। लू लगने पर शरीर की मालिश करना भी एक आसान उपाय है। इसके लिए आप किसी भी ठंडे तेल का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही आप इसके लिए शरीर को बर्फ से भी सेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आइस पैक का उपयोग करना चाहिए और रोगी के सिर, पैर, पीठ, छाती, इन पर बर्फ लगानी चाहिए। गर्मी महसूस होने पर शरीर को ठंडे या गीले कपड़े से ना लपेटें, क्योंकि यह इंसुलेशन की तरह काम करेगा और आपके शरीर का तापमान को बढ़ाएगा। गीले कपड़े को ठंडे पानी में भिगोने के बाद इसे शरीर पर हर जगह पर घुमाएं, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाएगा और आपको लू से राहत मिलेगी। लू लगने पर आपका शरीर गर्म हो जाता है और फिर आपके शरीर को ठंडा करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको ठंडी चीज़ें खाने की ज़रूरत है। इसमें आप प्याज, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा और अंगूर आदि चीज़ें खा सकती हैं। जब भी आपको लू लगने जैसा महसूस होता है तो आपको सबसे पहले तेज़ धूप से तुरंत बाहर जाकर ठंडी जगह पर आना होता है, या आप इसके लिए कूलर या पंखे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एसी का उपयोग ना करें, क्योंकि यह आपको कूलर से थोड़ा देर में आराम देगा। लू लगने पर सभी कपड़े उतार दें या लू लगने पर सिर्फ पतले कपड़े पहनें। इससे क्या होगा, आपके स्किन के रोम छिद्रों से गर्मी निकलेगी और आपके शरीर से कुछ हद तक ठंडक चली जाएगी। लेकिन अगर आप मोटे कपड़े पहन लेंगे तो आपके शरीर गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी और आपके शरीर को जल्द आराम नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, जो उपाय आपको बताए गए हैं केवल शुरुआती उपाय हैं, इसलिए आपको हीट स्ट्रोक होने या लू लगने पर तुरंत डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, ताकि वह भी आपको सही सलाह दे सके और तुरंत आपका इलाज कर सके। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।